अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अमेजिंग वीडियो। तो यार हमारा जो मैजिक कीप स्टोर है, ठीक है, 2 दिन बाद अपडेट हो जाएगा। सॉरी यार, मैजिक कीप स्टोर अपडेट नहीं होगा, एक इवेंट हमें मिलने वाला है, ठीक है, जो कि टाइम के लिए होगा, जिसके अंदर 14 प्लस बंडल्स होंगे न्यू, ठीक है, साथ में कुछ स्किन्स भी हो सकते हैं। तो किस तरीके का इवेंट है, हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये जानने के लिए यार वीडियो को आपने लाजमी से एंड तक देखना है, क्योंकि यार आपने काफी इंतजार किया था मैजिक कीप स्टोर अपडेट का, तो आपके हाथ से यार ये मौका ना जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार अभी से यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम। वैसे तो इवेंट के अंदर हम यार 15 प्लस बंडल्स मिलने वाले हैं, बट अभी तक वो गरीना छुपा रही है, 2 दिन बाद हमें पता चल जाएगा। बट कुछ बंडल्स है, जो बंडल्स का हमें पता चल गया है कि ये आने वाले हैं। सबसे पहले यार ये वाला एक बंडल हो गया, ठीक है, ये आने वाला है हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। तो एक तो यार ये वाला बंडल हमें मिलने वाला है, बाकी एक ये वाला काफी ज्यादा यहाँ पर पुराना बंडल है फ्री फायर का, और ये एक लेजेंडरी बंडल आने वाला है, बहुत ही ओल्ड बंडल है, ठीक है, तो ये भी हमें मिलने वाला है 100% कन्फर्म, ठीक है। तो ये बंडल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी पुराना बंडल है और काफ़ी अर्से बाद यार हमें फ्री फायर में दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल अच्छा। ये तो एक बंडल हो गया हमारा पुराना वाला, बाकी यहाँ पर दूसरा भी एक बहुत ही ओल्ड लेजेंडरी बंडल आने वाला है, वो है ये वाला वीनम टच बंडल, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा लेजेंडरी बंडल हो गया, जो कि आने वाला है 100% कन्फर्म। और ये कुछ बंडल जो मैंने आप दोस्तों को दिखा दिए, ठीक है, तो ये तो हमें मालूम हुआ है कि ये आने वाला है, बाकी 10-11 बंडल वो हाइट है अभी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो 11 बंडल और आने वाले हैं, जो कि अभी गरीना वाले छुपा रही है, ठीक है, तो उनका जो है ना 2 दिन बाद हमें पता चलेगा, और इवेंट कौन सा आने वाला है, किस इवेंट में आ सकता है। 90% चांस है यार कि हमें मैजिक ईद मंडी इवेंट में ये मिल सकता है, 90% चांस, ठीक है। तो 90% चांस इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर बार यार हमें इसके अंदर ये बंडल्स मिलते हैं, ठीक है। और इस इवेंट का क्या सीन है, ये जो है ना हमें ओनली 3 आवर्स के लिए मिलता है, तो 3 घंटों के लिए जो है ना हमें ये जो 5 आइटम्स नज़र आ रहे हैं, बंडल एंड स्किन, ठीक है, इसको आपने निकालना होता है, ठीक है, जो आपका पसंदीदा होता है, और 3 घंटे बाद जो है ना ये तब्दील हो जाते हैं और आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आप दूसरों को बता दिया कि हमें 15+ आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो तब्दील होंगे, और एक बार अगर वो तब्दील हो गए ना तो फिर आप वो नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे इवेंट स्टार्ट हो जाए ना, हमें जो पहले 3 घंटों में जो 5 आइटम्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो पहले के 3 आवर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपने मिस नहीं करना। जैसे ही इवेंट स्टार्ट हो जाए आपने गेम को लाजमी से ऑफ इन करना है, ठीक है। तो ये अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप बिज़ी होंगे, हो सकता है आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट होंगे, काम करते होंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना ये अभी से मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने गेम को फर्स्ट 3 आवर्स के लिए लाजमी से ओपन करना है, कि फर्स्ट 3 आवर्स में हमें अच्छे आइटम्स मिलते हैं, ठीक है, स्किन्स भी मिलेंगे, बंडल्स भी मिलेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 10% जो मैंने आपको बताया था कि यार 10% चांस और भी है कि हमें किसी और इवेंट में भी मिल सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें ईद मंडी में ही मिल जाए, बट ईद मंडी में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हर बार हमें इसी इवेंट में मिलते हैं। बाकी यार आपका कोई सवाल हो ना मैजिक कीप इवेंट के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यार यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।